टुडे आई विल बिगिन ज्योग्राफी पोर्शन ऑफ 10th क्लास ऑफ साइंस चैप्टर नंबर 8 वाटर रिसोर्सेज जल स्रोत। बच्चों आज मैं सामाजिक विज्ञान के अध्याय 8 का जल स्रोत शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है जैसे आपने मेरी विगत वीडियोस को लाइक किया वैसे इसे ज़रूर आप लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको पता है कि जो वाटर है वह प्रकृति की तरफ से हमें दिया गया एक इनाम है, गिफ्ट है, और हमारी पृथ्वी अर्थ पर जो भी गतिविधियां होती है सबका स्रोत है। सामाजिक आर्थिक जो विकास हो रहे हैं हमारे देश में या विश्व में उसमें जल का बहुत बड़ा योगदान है। प्राचीन समय से हम जल को काम में लेते आए हैं। आपको पता है कि 71% जल है हमारी पृथ्वी पे और 29% जो भूमि है वो बाहर की तरफ निकली हुई है, मतलब हमें दिखाई देती है। 97% पानी मौजूद है जो कि सलाइन वाटर है, नमकीनी पानी है, खारा पानी है, जबकि 3% है, 3% वो फ्रेश वाटर है। यूजेबल वाटर है उसमें 69% है वह बर्फ़ के रूप में है, वो 30% जो वाटर है वो अंडरग्राउंड वाटर है। रिमेनिंग जो 1% वाटर है वह मनुष्य के माध्यम के द्वारा ड्रिंकिंग में, इरिगेशन में और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काम में लिया जाता है। आप देखिए ये नक्शा दे रखा है कितना प्रतिशत, 69%, 30%, 3% में 1% हम काम में लेते हैं, ये यूजेबल वाटर का है। जल स्रोतों के माध्यम से जो सरकार ने मंत्रालय बनाया हुआ है उसके तहत हम 1869 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर काम में लेते हैं, उसमें 1123 बिलियन क्यूबिक वाटर ही काम में आ रहा है। मनुष्य है 690 बिलियन क्यूबिक वाटर जो सरफेस वाटर है वो काम में ले रहा है और 433 क्यूबिक मीटर पानी है वो ग्राउंड वाटर है। हमें 2000 ईस्वी तक 634 मिलियन क्यूबिक वाटर पर ईयर हमें चाहिए और 2025 एडी तक 1023 बिलियन वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट संरक्षण ज़रूरी है जिसके लिए हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग है के तहत जनसंख्या के बढ़ने से धीरे धीरे पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होने लगी है। वाटर स्टोरेज ऑफ द अर्थ है उसमें 97% पानी सलाइन है और बाकी फ्रेश वाटर है 3%। वाटर मैनेजमेंट हम कैसे काम में लेते हैं ये प्राचीन समय से हमारा देश ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानता है, हमने क्या क्या प्रयास किए हैं वो हम आगे आपसे बात करेंगे। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने ये कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के मंदिर की ने उपमा दी गई थी। हमने हमारे देश में बाखरा नांगल प्रोजेक्ट है, रिहान प्रोजेक्ट है, दामोदर प्रोजेक्ट है, हीराकुंड प्रोजेक्ट है और कोसी प्रोजेक्ट है, तहरी प्रोजेक्ट है, टिहरी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से शुरू किए गए। जो हमारे राजस्थान में चंबल प्रोजेक्ट है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, आंध्र प्रदेश कर्नाटका में सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, गुजरात एमपी राजस्थान में मयूर काशी फरक्का प्रोजेक्ट, वेस्ट बंगाल में माही प्रोजेक्ट, गुजरात और राजस्थान में गंडक प्रोजेक्ट, बिहार और यूपी में मचकुंडा प्रोजेक्ट, आंध्र प्रदेश उड़ीसा में, ये राज्य सरकारों के द्वारा किया गया योगदान है। सबसे पहले हम भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ये बहुआयामी प्रोजेक्ट था, देश का सबसे बड़ा। आप देखिए ये नक्शे दे रखे हैं, चित्र दे रखे हैं, एक एक प्रोजेक्ट के बारे में बात। दत्तुक बंद्रा प्रोजेक्ट ऊपर ऊपर
अपवर्ड देखिए, उसके बाद में और भी आपको पता है प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं, नर्मदा डैम प्रोजेक्ट है, हीराकुंड प्रोजेक्ट है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, और ये नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है, ये भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, किस प्रकार से ये हमारे काम आता है, ये पूरा सब दे रखा है, रिवर रावी है, थैन डैम है, माधोपुर हेडवर्क है, माधोपुर व्यास लिंक है, ये पंदोह डैम है, पोंग डैम है, रिवर व्यास के ऊपर बना हुआ है, डहर प्रोजेक्ट प्लांट है, नांगल डैम है, गोविंद सागर है, बाखड़ा डैम है, कोटला पावर हाउस है, और नांगल हाइडल चेन्नई है, सॉरी चैनल है, गुवाहाटी पावर हाउस है, रोपड़ हेडवर्क है। ये बाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट का पुराना ये नक्शा है, आप देखिए किस प्रकार से इसको दे रखा है। बाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट 1948 में शुरू हुआ और कंप्लीट 1963 में हुआ, और बिलासपुर के पास इसको स्थापित किया गया रिवर सतलज के ऊपर, हिमाचल प्रदेश से ये रिवर उधर से आती है। ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान का संयुक्त उपक्रम था ये, और रिवर सतलज और यमुना है आर्थिक तौर पे आगे जाके इन पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाने के उपक्रम भी लगाए गए, सिंचाई में पानी काम आता है, ड्रिंकिंग वाटर में काम आता है। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट पंजाब के में, जो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ इस पे और प्रोजेक्ट किया गया। फर्स्ट डैम इज बाखड़ा डैम, पहला जो बांध है वो बाखड़ा बांध बनाया गया, 518.16 मीटर लंबा है और 226 मीटर ऊंचा है। ये ग्रेविटी के, ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है जो सीमेंट और कंक्रीट से बनाया हुआ है। दूसरा डैम 13 किलोमीटर दूर नीचे की तरफ बाखड़ा डैम बनाया गया है, यहाँ एक्स्ट्रा पानी को बचा के रखा जाता है। बाखड़ा सरहद नांगल विस्ट दोआब और नरवाना नहरें यहाँ निकली हुई है, और आगे जाके कोटला रूपनगर गंगवाल में भी बांध और नहरें बनाई गई। तो ये था बाखड़ा नांगल के बारे में। दामोदर वैली प्रोजेक्ट स्वतंत्र भारत में पहला जो प्रोजेक्ट है, जॉइंट वेंचर पश्चिम बंगाल और झारखंड के संयुक्त उपक्रम से बना। 1948 में रिवर दामोदर पर इसे बनाया गया, क्योंकि जो दामोदर नदी है उसे सोरो बंगाल बोला गया है। इस नदी का जो बहाव है वो प्रतिवर्ष चेंज होता था, जिसकी वजह से यहाँ जान माल की हानि बहुत होती थी, तो यहाँ रिवर का जो रूट है वो डाइवर्सन हो जाता था, इरोजन भी चलता था, मृदास्थरण बाढ़ भी आती थी। तो वेस्ट बंगाल में 493 किलोमीटर तक ये नदी बहती है, और बिहार और झारखंड में 240 किलोमीटर नदी बहती है। ये नदी हुगली नदी में जाके मिल जाती है, छोटा नागपुर प्लेटो है पूर्वी भाग में, वहाँ बरकार बोकारो कोनार ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। 18,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है जहाँ बाढ़ आती थी। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, दामोदर वैली कॉरपोरेशन बना के इस पे टेनेसी वैली अथॉरिटी जो अमेरिका की है उसके तहत इस पे कार्य प्रारंभ किया, और आर्थिक विकास के लिए आगे चल के वेस्ट बंगाल और झारखंड ने इसमें पैसे लगाए और इस पे बांध बनाया। मैथान प्रोजेक्ट बना, तलैया बांध बना, रिवर बारकर पे कोनार डैम बना, रिवर कोनार पांच चेट पहाड़ी डैम बना, दुर्गापुर बैराज बना, रिवर दामोदर पे इन सब का निर्माण हुआ। बहुत से बिजली बनाने वाले प्लांट भी इस पे स्थापित किए गए, बोकारो चंद्रपुर तलैया मेथान पांचेट पहाड़ी दुर्गापुर, यहाँ एक लंबा चौड़ा नेटवर्क फैलाया गया। ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट का है नक्शा, आप देख लीजिए इसको, आप किस प्रकार से ये कार्य इस पे हुआ। तलैया डैम, बारकर रिवर, बाल पहाड़ी, मैथोन डैम, दामोदर रिवर, अजय रिवर, ये एरिया है कोलकाता ईस्ट साइड है, तेनू घाट, कोनार रिवर, बोकारो रिवर, दामोदर रिवर, ये सब बनाया गया था। आगे हम अगला प्रोजेक्ट बात करते हैं, हीराकुंड प्रोजेक्ट है। ये पेनिनसुलर इंडिया है, जो नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना थी
रिवर महानदी पे इसको बनाया गया, जो रिवर महानदी सोरोब उड़ीसा बोलते हैं जिसे। रिवर महानदी है ये बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है जो छत्तीसगढ़ में है और उड़ीसा में जाके बहती है। इससे बहुत बाढ़ आती थी मानसून के समय में, यहाँ बहुत बाढ़ आती थी और बाकी समय में यहाँ अकाल पड़ता था। भारत सरकार ने यहाँ पे हीराकुंड डैम बनाया 14 किलोमीटर तक, संबलपुर की धारा है वहाँ पे, इस प्रकार से इसका निर्माण किया गया। और आगे चल के राज्य की जो सारी समस्याएं दूर हो गई, सिंचाई की, पानी पीने की, सब कुछ। 4801 मीटर लंबा है ये बांध और 61 मीटर ऊंचा है। पानी का स्टोरेज यहाँ होता है झीलों के माध्यम से बांध के पास, जिसका स्टोर 810 करोड़ क्यूबिक मीटर वाटर है। इसके अलावा दो डैम और बनाए गए, तिकार पड़ा और नाराज में। ये प्रोजेक्ट है कंप्लीट हुआ। फर्स्ट फेज में हीराकुड डैम बना संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में, और यहाँ बोरगढ़ कैनाल नहर भी बनाई गई और सेसान और संबलपुर कैनाल सिस्टम भी बनाया गया। इस प्रकार 4 पावर प्लांट यहाँ पे स्थापित किए गए सेकंड फेज में। ये हीराकुड का है, आप देखिए, महानदी रिवर, हीराकुड डैम, महानदी रिवर, तेल रिवर, ये डैम की साइट है बीच में ब्लू कलर में। हीराकुड डैम, ये भाई हीराकुड डैम है, आप देख लीजिए इसको कितना विशाल है। मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट राजस्थान, राजस्थान में बिजली के उत्पादन के लिए कहाँ कहाँ बांध और कार्य किया गया। चंबल वैली प्रोजेक्ट है, ये जॉइंट वेंचर है, संयुक्त उपक्रम है राजस्थान और मध्य प्रदेश ने। 1953 ईस्वी में नदी चंबल पे शुरुआत की इसकी। ये तीन चरणों में इसका कार्य किया गया। यहाँ पे मिट्टी भी बहती थी और बाढ़ भी आती थी, चंबल की वजह से बहुत नुकसान होता था। इस प्रकार ये कार्य शुरू किया गया, चंबल प्रोजेक्ट है, आप देख लीजिए इसको। हाँ, ये कोटा बैराज है, जवाहर सागर डैम है, राणा प्रताप डैम है, गांधी सागर डैम है और गांधी सागर है। ये देखिए पूरा नक्शा दे रखा है। ये गांधी सागर डैम पहले मंदसौर, जो एमपी का मंदसौर जिला है, वहाँ बनाया गया, नहर भी निकाली गई। सेकंड फेज में राणा प्रताप सागर डैम बनाया गया रावतबाटा में, चित्तौड़गढ़ जिले में है। और यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी शुरुआत किया गया, बिजली का उत्पादन का। और थर्ड फेज में जवाहर सागर यहाँ पे बांध बनाया गया, कोटा और बूंदी जिलों में यहाँ पे बिजली की सप्लाई के लिए पावर हाउसेज भी बनाए गए। 1960 के दशक में कोटा बैराज का निर्माण किया गया, उन नहरों के माध्यम से यहाँ इस इलाके में सिंचाई व्यवस्था की गई। ये चंबल वैली प्रोजेक्ट है, आपके सामने देख लीजिए इसको आप, किस प्रकार से इसको लागू किया गया, ये सब आपके सामने है पूरा। अगला है माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, ये राजस्थान और गुजरात का संयुक्त उपक्रम था। 1966 ईस्वी में एक एग्रीमेंट के माध्यम से इसका कार्य शुरू किया गया। और रीवा नदी माही की, जो कि विंध्याचल पहाड़ों से निकलती है, इस पर यह कार्य शुरू किया गया। आर्थिक तौर पर इसका विकास हुआ, सिंचाई व्यवस्था फैली और जो ट्राइबल क्षेत्र में, आदिवासी कबीले में जो पानी काम में आने लगा, नदी माही का, डूंगरपुर बांसवाड़ा में माही बजाज सागर डैम है, उसका निर्माण बोरखाड़ा, बांसवाड़ा जिले के बोरखाड़ा में निर्मित किया गया। कड़ाना डैम है, वो गुजरात में बनाया गया, गुजरात सरकार के माध्यम से, कैनाल सिस्टम के माध्यम से भी इसकी शुरुआत की गई। कागड़ी पिकअप डैम बनाया गया, 500 मीटर नीचे है। और मुख्य जो डैम है, बांध है, वो बनाया गया। इस पे दो बिजली उत्पादन के प्लांट्स भी लागू किए गए, इस प्रकार से इसकी व्यवस्था की गई। ये माही बजाज सागर डैम है का प्रोजेक्ट है, ये पूरा देख लीजिए आप, इस प्रकार से कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से इसको पूरा किया गया, ये सब आपके सामने है, ये दिखाई दे रहा है। अब अगला है बिसलपुर प्रोजेक्ट, 1997 to 1998। इसका उद्देश्य था कि सिंचाई के लिए पानी काम में आए और पीने के लिए पानी काम में आए।
कॉन्करेंट डैम बनाया गया 574 मीटर लंबा और इसकी अधिकतम हाइट 39.5 मीटर ऊंची दी गई। रिवर बनास पे ये बनाया गया। बिसलपुर है जो टोडा राइसिंग टोंक जिले में है, वहाँ इसका निर्माण किया गया। दो नहरें निकाली गई इसके माध्यम से लेफ्ट और राइट साइड में। और जो सवाई माधोपुर में जो सिंचाई की व्यवस्था भी यहीं से होती है। और इसके अलावा जयपुर शहर में अजमेर, केकड़ी, सवार, ब्यावर, यहाँ जो पीने की व्यवस्था भी यहीं से होती है। 256 गाँव में सिंचाई की व्यवस्था भी यहीं से होती है, टोंक जिले के जो गाँव है उनमें। इस प्रकार से ये कार्य किया गया। राजस्थान में और भी बहुत से प्रोजेक्ट है, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये हरि के बिराज से सतलज नदी और ब्यास नदी है उनके माने से इसकी पानी की सप्लाई की गई। ये हमारे भारत में नहीं एशिया में सबसे बड़ी नहर है। इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है और जिसमें 169 किलोमीटर पंजाब में बहती है, 14 किलोमीटर हरियाणा में और बाकी जो बचा हुआ भाग वो राजस्थान में बहता है, जो सबसे लंबा है। ये 9 जिलों को क्रॉस करती है, 29 टाउन को क्रॉस करती है, 3,461 गाँव से बहती है। ये नहर है, ये दो चरणों में पूरी की गई। पहले राजस्थान फीडर कैनाल और फिर मैन कैनाल। राजस्थान फीडर कैनाल है वह मसीतावली से निकली और फिर मैन कैनाल में मिल गई मोहनगढ़ में। 204 किलोमीटर ये लंबी है और 445 किलोमीटर और आगे लंबी है। बहुत सी ब्रांचें शाखाएँ इसके निकाल के नहर बनाई गई। इस प्रकार से थार रेगिस्तान में पानी की व्यवस्था की गई। इसकी 9 ब्रांचेज है। इंटरनेशनल वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर तक ये पानी की सप्लाई करती है और वहाँ कुछ जगहों पे इसकी ऊंचाई भी बहुत है। पानी को शिफ्ट किया गया है वहाँ तक और यहाँ इन गांवों में जो पीने की व्यवस्था है वो इसी के माध्यम से होती है। बहुत सी कस्बों में शहरों में पानी की सप्लाई इसी से होती है। बहुत सी नहरें भी आ गई, हाँ 7 नहरें इसमें निकली हुई है और हेक्टेयर में इलाकों में पानी की सप्लाई इसी से होती है। दिस प्रोजेक्ट हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड अप टू गादरा रोड इन बाड़मेर। बाड़मेर में जो गादरा रोड है वहाँ तक इसको आगे बढ़ा दिया गया। ये इंदिरा गांधी कैनाल है, आप देख लीजिए इसको। जाखम प्रोजेक्ट है, ये अनुपुरा में बनाया गया रिवर जाखम के ऊपर, जाखम डैम। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ है, यहाँ गांव के इलाकों में इसकी पानी की व्यवस्था की सप्लाई होती है। नहर यहाँ बनी हुई है उच्च तकनीक से। गांव नगरिया तक 13 किलोमीटर दूर तक ये जाती है, डैम से दूरी है। सोम अम्बा कमला प्रोजेक्ट, एक बांध यहाँ पे बनाया गया कमला अम्बा गांव में रिवर सोम पे। यहाँ पानी की व्यवस्था सिंचाई के लिए होती है। आसपुर सलमपुर ब्लॉक डूंगरपुर के हैं, उदयपुर जिले हैं, वहाँ पानी की व्यवस्था होती है पीने की और सिंचाई की। मेजा डैम है, सिंचाई के पर्पज से बनाया गया था रिवर कोठारी पे, जो कि गांव है मेजा मांडलगढ़ ब्लॉक में भेलवाड़ा के। यहाँ मछली पालन भी होता है और नहर की व्यवस्था भी है। सिद्धमुख प्रोजेक्ट, ये रिवर व्यास है उस पर बनाया गया। 33,000 हेक्टर लैंड है। नोहर, भादरा और तारनगर, राजगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले में इसका पानी सिंचाई के काम आता है और पीने के काम भी आता है। नर्मदा प्रोजेक्ट है, ये बाड़मेर और जालौर है जिले में। सरदार सरोवर बांध के माध्यम से पानी यहाँ पीने के काम आता है। जवाई डैम प्रोजेक्ट है, अरिनपुरा पाली जिले में रिवर जवाई है उस पर बनाया गया। इसकी सहायक नदियाँ हैं रिवर लूनी जो पश्चिम राजस्थान में है, हाँ माफी चाहूँगा, रिवर लूनी है उसकी सहायक नदी है रिवर जवाई, जो पानी यहाँ काम आता है। यहाँ सिंचाई के लिए पाली और जालौर जिले में 176 किलोमीटर तक इसका पानी दूरी तक काम आता है। बांध से 176 किलोमीटर तक इसका पानी काम आता है। पंचाना डैम रिवर बारखेरा, भद्रावती, मच्छी, बसावत और एटा, ये 5 नदियाँ का पानी यहाँ पे आके ये इस पंचाना डैम में मिलता है। 5 नदियाँ हैं बरखेरा, भद्रावती, माछी, बसावत और अटा।
गुडला गांव है वहाँ पे ही स्थित है, जो कि करौली जिले में है। गांव है टोडा भीम, हिंडोन, गंगापुर, यहाँ पानी की सप्लाई होती है सिंचाई के लिए। नारायण सागर डैम है, ये भी अजमेर में सबसे बड़ा डैम है, खारी नदी पे बनाया हुआ है। और जालिया सेकंड जो विलेज है जिले में, वहाँ पे बना हुआ है। दो नहरें भी इससे निकली हुई है, कुटिया और बेडी कैनाल। और इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण, ये प्रति वर्ष क्लास में ये टॉपिक आता है। हम किस प्रकार से जल संरक्षण करें, इसके लिए पहले हमारे राजस्थान में बावड़ी बनी हुई थी, कुओं का निर्माण किया गया था, तालाबों का निर्माण किया गया था, नहरों का निर्माण किया गया था। और प्राचीन समय से हमारे यहाँ पे इसके उल्लेख मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ भी हमें कुएं मिले हैं। और अर्थशास्त्र कौटिल्य का लिखा हुआ है, उसमें भी सुदर्शन लेख का जिक्र है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। सैकड़ों प्राचीन डैमों का उल्लेख है, चालुक्य शासन में भी हुआ था दक्षिण भारत में। बावड़ी, झालरा, नाडी, वेल्स, कुई, छोटी कुआ, जोहड़, ये सब हमारे राजस्थान के जो जमींदार हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, वो बनवाते थे। ये बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख है हमारे यहाँ। पहला है परंपरागत जल संरक्षण के लिए हमारे राजस्थान में क्या क्या हुआ। बावड़ी, ये चतुर्भुजाकार होती थी और चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी होती थी और बीच में पानी होता था, ऊपर से खुली होती थी। हमारे यहाँ बूंदी जो शहर है वह स्टे वेल्स के लिए, सीढ़ीदार बावड़ियों के लिए ज़्यादा जाना जाता है। जोधपुर में तापी बावड़ी है, दौसा में बंदेराज बावड़ी है, चित्तौड़ में बिनोथा बावड़ी है और अबानेरी में चंद बावड़ी है। ये प्रसिद्ध है, ये देखिए आप नक्शा इसका। हाँ, चांद बावड़ी, अबानेरी के बारे में ये पूरा उल्लेख किया गया है, कब किसने कैसे क्या बनाया, सब इसमें दे रखा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तालाब, हमारे राजस्थान में जहाँ जहाँ पानी ज़्यादा होता था, नदी बहती थी, वहाँ भी तालाब बनाएंगे, पानी पीने काम आता था। पाली में हम्बावास, भीलवाड़ा में सरेरी, मैजा, चित्तौड़गढ़ में बांकिया सेना पानी, और जैसलमेर में गड्डीसर, गजरूप सागर, ये सब बने हुए हैं। तालाब है, नहरे, लेक वाली नहरे, ये हमारे सिंचाई के काम आती थी, पानी और पीने के भी काम आता था। जमींदार लोग बनाते थे। पुष्कर झील है, ये व्याप्त है यहाँ। राजसमंद, नौचौकी झील है, ये बनी हुई है हमारे यहाँ। अजमेर में आना सागर है, ये अकाल के समय में पानी काम आता था। पिछोला, फतेह सागर, उदयपुर की झील है। चूरू की ताल छापर है। जालोर में बकली डैम है। टोंक में टोरडी सागर है। पाली में सरदार समंद है। नवलखा झील है बूंदी की, और नौचौकी झील है राजसमंद में। ये सब प्रसिद्ध झील हुआ करती थी। नाडी, तालाब के ही छोटे रूप को नाडी बोला गया है। यहाँ बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता था, 4 या 5 मीटर ये गहरे होते थे समतल एरिए में। इनकी साइज छोटी होती थी। और ये भी हमारे राजस्थान में, जैसे ये नक्शा दे रखा है हमारे सामने चित्र, ये पानी पीने के और ये लोगों के काम आता था। आगे देखिए आप टांका, ये भी एक पानी को संरक्षण रखने का परंपरागत ये तरीका था। पश्चिम राजस्थान में 5 या 6 मीटर गहरा खड्डा खोद के घर में, प्रत्येक घर में इस प्रकार से पानी ये बचा के रखते थे। बरसात के पानी को बचा के रखते थे, उसको ढक देते थे और किस प्रकार से पानी को काम लेते थे। इनका टाका, जैसे जल स्वावलंबन योजना के तहत हमारे राजस्थान में ये योजना चली है, तो टाका बनवाने की। टाका है विद आगोर, अपर पार दिखाई दे रहा आपके सामने, ये मॉडर्न टाका है। आजकल जो जल स्वावलंबन योजना है उसमें ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है, उसके तहत इनको बनाया गया है। ये आपके सामने है। जोहड़,
शेखावाटी क्षेत्र में हरियाणा में पानी को इकट्ठा रखने की जो व्यवस्था है वो जोवड़ कहलाता था। ये टाका से थोड़ा सा छोटा रूप होता था। ये देखिए आप हमारे स्क्वायर शेप्ड जोवड़ चौकुना जो जोवड़ है हमारे राजस्थान में खुले स्थान में खड्डे खोद के बनाए जाते हैं। राउंडेड जोवड़ है ये भी हमारी बहुत प्रसिद्ध है। टाका से थोड़ा बड़ा होता था और कई जगह सर्कुलर टाके जोड़ होते थे, कई ओपन खुले होते थे। ये पानी पीने के भी काम आता था जानवरों की और मनुष्यों की। बाड़ी पश्चिम राजस्थान में 5-6 मीटर गहरा खोद के तालाब को खड़ीन डायमीटर 2 से 3 फीट होता था। तो मानसूनी मैसूरी जो वाल पत्थरों की बना के इस प्रकार बाड़ी बनाई जाती थी। गर्मियों में जो पानी आता था वो यहाँ रहता था, बरसात के समय में फिर ये पानी काम में आता था। बाड़ी है ये आम भाषा नेटिव लैंग्वेज का शब्द है। बाड़मेर जैसलमेर में ये पाए जाते हैं। खड़िन पालीवाल ब्राह्मणों ने, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने ये इसकी व्यवस्था की पानी को इकट्ठा रखने के लिए। ये आपके सामने है किस प्रकार से वो ये व्यवस्था करते थे। ये आप देख लीजिए इसको किस प्रकार से खड़िन लैंड में ग्राउंड वाटर है उसका लेवल बना के रखते थे। ये आपके सामने है वाटर सेव लाइन्स, ये इसका टॉपिक है किस प्रकार से हम पानी को सुरक्षित रखते हैं। ज़्यादा डीपली आपको समझने की जरूरत नहीं है। जल क्रांति अभियान के तहत मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजनाएं ये सब चलाई गई हमारे राजस्थान में, ताकि पानियों को नाड़ी पौंड वेल बावड़ी बेरी ये सब पानी एक साथ हम रख सकें। लोकल लेवल पे इनकी शुरुआत की गई। अंतिम एक बिंदु है चीफ मिनिस्टर वाटर सेल्फ लाइन्स प्लान, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, ये हमारे यहाँ शुरुआत हुई ताकि हर राज्य में, माफी चाहूँगा, राज्य के प्रत्येक ज़िले के प्रत्येक ब्लॉक में सभी लोग अपने खेतों में इस प्रकार का एक टैंक बना के पानी को सुरक्षित रख सके। इसमें राजस्थान सरकार की योजना थी, लगभग 90,000 रुपये सरकार के माध्यम से मिलते थे और 10,000 रुपये किसान के लगते थे, और इस प्रकार से दोनों के सहयोग से ये बनाई जाती थी। ये उल्लेख है चीज़ का। ये हमारे एनजीओ का, एनजीओ के माध्यम से भी कुछ कार्य शुरुआत हुई है। ये फार्म पॉन्ड मिनी परकुलेशन टैंक संकन गली पिट खड़ीन जोहड़ टांका ये सारे हमारे राजस्थान में देन हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। बहुत से लोगों ने जो ग्रास लैंड है उनकी भी शुरुआत की, प्लांटेशन वर्क की भी शुरुआत की और आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर की भी शुरुआत की। हमारा जो राजस्थान है इन चीज़ों में बहुत आगे रहा है। इसी के साथ ही ये चैप्टर पूरा होता है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर जल स्रोत आपको अच्छा लगा होगा। जिस प्रकार से आप मेरे दूसरी वीडियो लाइक करते आए हैं, इस वीडियो को आप लाइक करें और जो भी कमी रही है वो ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट भी करें। मेरा जो चैनल है मेमोरी फैक्ट्स, इसको आप लाइक करें और अपने मित्रों को कहें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। एक प्रश्न आया कि मैं इंग्लिश मीडियम है तो टोटल इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं बताता। नॉर्मली बच्चों क्या होता है कि घर पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो उन वाक्यों को हिंदी में समझना चाहते हैं, ताकि हिंदी हमारी मातृभाषा इसको इतना समझ सकें। आगे मैं प्रयास करूँगा कुछ चैप्टर मैं इंग्लिश टू इंग्लिश बता सकूँ आपको। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।